नमस्कार। हरिद्वार से देख सकते हैं आम जनता जो है वोट देने जा रही है। आप इस बार पहली बार वोट देने की कई बार वोट दे चुके? 3-4 बार दे चुके। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लगता है। महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे? अपना जो हक है वो उन्हें करना चाहिए, वोट देना चाहिए, और जो उनके लिए काम करे उसका ही समर्थन ज्यादा होना चाहिए। नहीं, खाली महिलाओं के लिए काम करें उसके लिए ही समर्थन ज्यादा होना चाहिए कि देश के लिए समर्थन देश का कार्य करें जिसमें महिलाओं का भी होना चाहिए? देश के लिए होना चाहिए। अगर खाली महिलाओं को प्रलोभन दिया जाए, लालच दिया जाए, नहीं, तो क्या उसी का काम उसी को वोट देना चाहिए क्या? वो चीज गलत है। जो महिलाओं को लालच दे या कुछ भी वो करे वो चीज गलत है, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। तो फिर किसको वोट देना चाहिए? जो हमारे लिए काम करे, हमारे देश के लिए काम करे, उसके लिए वोट देना चाहिए। देख सकते हैं हमारे और हमारे देश के लिए कार्य करे उसको वोट देना चाहिए। देख सकते हैं हमारे सामने महिलाए और इन्होंने महिलाओं को भी कहा है कि अपना मत का प्रयोग करें, मत का प्रयोग करें, और उसी को करना चाहिए जो हमारा साथ दे रहा है, हमारे लिए कर रहा है, देश के लिए कर। गरीब जनता को जरूर देखना चाहिए कि गरीबी में उनका क्या हाल हो रहा है क्या नहीं। जो इस टाइम रोजगार है नहीं, कैसे वो अपना जीवन कर रहे हैं ये हम जानते हैं, कैसे हमने भी किया है। अभी आपने वोट दिया नहीं, अब जा रहे हैं, देख सकते हैं अब महिलाएं भी जो है चूल्हा चौका छोड़कर रास्ते में उतर आई है और अपना मत का प्रयोग कर रही है। देख सकते हैं उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन चालू है, मतलब वोटिंग चालू है, और हमारे सामने भाई साहब है। भाई साहब बताइए कितना परसेंट वोट गिर चुका है अभी तक का, आपका कुछ रिपोर्ट है आपके हाथ में? बता देते भाई साहब, हम तो नहीं बता सकते। बताइए। हम तो भाई पूल के आदमी, हम तो बटन दबाया है, फूल का बटन दबाया। कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के? कार्यकर्ता भी वोटर है, हम तो आज हम कार्यकर्ता नहीं, हम वोटर है। वोटर है, देख सकते हैं वोटर है, और यहाँ पर पूरी सुविधा है। यहाँ पर आप लोग जो सुविधा दे रहे हैं, क्या चीज़ की सुविधा दे रहे हैं भैया? यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसका आईडी नहीं मिल रही है उसको हम आईडी दे रहे हैं, ठीक है। वोटर आईडी हेल्प सेंटर है। हाँ हाँ, वोटर आईडी वगैरह देखकर उसको बताया जा रहा है कि कौन से बूथ में आपका वोट है। हाँ ना, कई लोग आए हैं कि नहीं आए अभी तक? बहुत लोग आए हैं, देख सकते हैं बहुत लोग आए हैं, और यहाँ का जो रुझान है, और धीरे धीरे देखिए जनता का क्या रुझान है, जनता के माइंड में क्या चल रहा है। अरे आप आम जनता से है ना? मैं भाजपा से हूँ जी, आम जनता। सब भाजपा वाले हैं, क्या बात है, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, हम जीते। कोई यहाँ पर कोई गड़बड़ी वगैरह कुछ? गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी, सब ठीक है। देखिए एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है, दोनों आमने सामने हैं। देखिए कांग्रेस का बूथ भी सामने है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई है ना? गड़बड़ी नहीं, सही चल रहा है आपका? फर्स्ट क्लास चल रहा है, देख सकते हैं एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, लोग प्रसन्न हैं। और अब मैं थोड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी आपको मिलाता हूँ। भाई यहाँ पर अपने जो ऑफिस खोल रखी है, कौन है भाई साहब? हाँ, जो आपने जो ये कार्य खोल रखा है किस लिए खोल रखा था बताइए कृपया दर्शकों को। नहीं, इसमें बताने की कोई बात नहीं है, सिस्टम में आता है ये। जो नए वोटर आते हैं जिनको जानते हैं उनको एक पर्ची बना के दी जाती है, पूरी मदद की जाती है, मदद के तौर पे। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, आदमी स्वतंत्र है, वोट कहीं भी डाल सकता है। यहाँ पर एकदम शांति है कि कुछ उत्पात है, अंदर से सब सही है, सब बढ़िया, सब बढ़िया, कोई शिकायत? कोई शिकायत, बूथ कैप्चिंग, बूथ फॉल्स वोटिंग वगैरह कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके। कितने बजे तक वोट गिरेगा आपका यहाँ पर? यहाँ 6 बजे तक, 6 बजे तक, 6 बजे तक की गाइडलाइन है। हाँ जी बिल्कुल, 6 बजे तक। देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ, शाम को 6 बजे तक गाइडलाइन है। 8 बजे स्टार्ट हो गया होगा? 7 बजे, 7 बजे, 7 से 6 बजे। और आपके जो पुल बूथ पुलिंग में जो बैठे एजेंट, वो सही रिपोर्टिंग दे रहे हैं? बिल्कुल सही रिपोर्ट। अभी तक कोई कितना परसेंट वोट गिर चुका आपके हिसाब से? परसेंटेज का सही आंकड़ा नहीं है कोई, अभी तक पर्ची नहीं आई, अभी शुरुआत ही हुआ था, कोहरा था, इसकी वजह से लोग 10 बजे के बाद ही निकलना चाह रहे हैं घर से। मौसम कैसा है यहाँ का? सुबह बहुत ठंडा था, थोड़ा कोहरा भी था, और 10-10:30 बजे के बाद ही लोग घर से। मैंने आपके हिसाब से अच्छी वोटिंग हो जाएगी और शांतिपूर्ण होनी चाहिए, हमारी हार्दिक इच्छा यही है बस, जीतते चले। देख सकते हैं शांतिपूर्वक होना चाहिए, और लोग जो है कार्यकर्ता सक्रिय है, और धीरे धीरे देखिए यहाँ पर सतपाल जी है, वहाँ मदन कौशिक जी है, और दोनों आमने सामने हैं, और शांति का माहौल है, और दोनों भाईचारा निभा रहे हैं। इसी के साथ मैं हेमंत तोसा, हेमंत टीवी चैनल। कार में बता रहा, क्या हुआ बताइए, आइए क्या हुआ आपके साथ दिखाइए। सर मेरा वोट नहीं आ रहा है लिस्ट में। वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी कार्ड है, दिखाइए। देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड है दोनों, कौन कौन है ये? दोनों आपका ही है क्या? ये लक्ष्मी वाइफ का है और वीरेंद्र का। तो दोनों का कट गया? दोनों का नहीं आ रहा नाम। दोनों का नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? कितने साल से वोट दे रहे हैं आप? हम तो हर बार डालते थे। हर बार डाल रहे हैं,
तो आज पहली बार क्यों नहीं नाम आया? अभी तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, नाम क्यों नहीं आया? आपने पोलिंग बूथ में एजेंट से आपने ऑफिस में पूछा कि नहीं पूछा? नहीं पूछा नहीं अभी तक। तो देखना है तो नहीं नहीं, आपने आपने लिस्ट में पूछा कि लिस्ट में नाम देखा? हमने नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ लिस्ट में नाम नहीं मिला। तो ये क्या कारण बताया उन्होंने? कारण बताया क्या? वोट कट गया। वोट कट गया, क्यों कटा? नहीं कारण का मतलब बता, वोट कट गया ये तो कोई कारण नहीं हुआ। वोट कट गया क्या कारण हुआ? इसका कारण क्या है कि हमारा वोट लिस्ट में नाम नहीं है? देखिए आपका कहाँ का एड्रेस है? नाम बोलिए, एड्रेस कहाँ? हाँ एड्रेस कौन सा है ये वाला? कहाँ का आप रहते? कौन से मकान में और कौन सी एरिया में, कौन सी गली? आपको याद नहीं है? 282। आपको पढ़ना पड़ रहा है उसके अंदर 282। आपको याद नहीं? आप रहते कहाँ हैं? यहीं रहते हैं, 282 में ही रहते हैं, और आपको पढ़ना पड़ रहा है? मैंने आपको याद नहीं है कि आप घर कहाँ है आपका? देख सकते हैं 282 और भाई साहब का वोट कट गया। इनको अब वोट आप इनको जानते हैं? ये शुरू से यहीं रहते हैं, शुरू से यहीं रहते हैं। देख सकते हैं पड़ोसी भी बता रहे हैं कि शुरू से यहीं रहते हैं, मगर वोट इनका कट गया। चलिए आइए मेरे साथ चलिए बूथिंग में। नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से महिलाओं भी अपने चूल्हा चौका छोड़कर भी अब मैदानी जंग में उतर गई है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप? अपने लिए प्रयोग करेंगे। इस बार आप क्या देखकर वोट देंगे? क्या मुद्दा है आप लोग का? क्या आप लोग की डिमांड है? हमारा डिमांड तो कुछ नहीं है, लेकिन वुमेन सशक्तिकरण जो है एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वही मेरा है और मेरा वोट मेरा अधिकार, इतना ही कहूँगा। एक सवाल उठता है, सिर्फ वुमेन के लिए काम करे उसी को वोट देंगे, बाकी देश के लिए काम करे वो भत्ते में जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वुमेन के लिए काम करेगा, बट वुमेन को मैंने देश में और भी तो लोग है, पुरुष भी तो है, उसके लिए कोई महत्व नहीं है? नहीं महत्व है। अगर किस किस गलत काम होता है तो कौन खड़ा होता है सबसे पहले? खड़ा नहीं होता, महिला अगर खड़ी होती है तो सब नहीं। अगर महिला के साथ कोई गलत काम होता है तो सबसे पहले कौन खड़ा होता है उसके साथ? महिला के घर वाले। रास्ते में गलत काम हो तो घर वाले कहाँ से आएंगे? रास्ते में तो कोई नहीं खड़ा होता। रास्ते में कोई नहीं होता, पुरुष खड़े नहीं होते, आप सच बताना? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हमारे देश में अब ये बहुत अच्छा हो गया कि सबसे हेल्प आगे करने के लिए आदमी लोग आते हैं, ये बात मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं इतनी जगह घूमी हूँ, हर जगह पुरुष महिलाएं सेम है और सबने मदद की है। देख सकते हैं पुरुष और महिलाएं सेम है, सबने मदद की है। देखिए एक ये महिला है जिन्होंने ये कहा है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम होना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए, महिलाओं के साथ साथ राष्ट्रीय और देश का। देख सकते हैं कार्यकर्ता, भाई वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, सब कार्यकर्ता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं सब जो है आम जनता, ये नहीं पूछते कि भाई ये बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, जो यहाँ पर रहते हैं आम जनता और कार्यकर्ता उसकी पूरी मदद करते हुए देखिए सामने, ये इनका पूरी मदद कर रहे हैं। किस चीज़ की मदद कर रहे हैं आप? सर ये यहाँ के वोटरों की मदद कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, अब किसी का वोट नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम होती है तब जी वो भी करेंगे हम, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बैठे मोबाइल पे। हाँ सबका सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर किसी का नहीं भी मिलता तो उसका मोबाइल पे नंबर डालो, आईडी नंबर, उससे पता लग जाता है कि उसमें है इनका। मोबाइल नंबर डालो और उससे पता चल जाता है। सुमित जी ये बताइए तो पोलिंग बूथ से ये आपकी जो काउंटर बनाया जाता है ये कितनी दूरी पर रहता है? सर ये तो कम से कम 100 मीटर की दूरी पर रहता है। 100 मीटर की दूरी पर। देखिए ये हमारे जो हमारे यहाँ पर जो भारत के अंदर जो रहते हैं, कईयों को पता नहीं है, जो खाली वोट डाल के चले जाते हैं, उनको बता रहा हूँ उनकी सुविधा के लिए कई पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ जो है यहाँ पर काउंटर खोल के बैठती है, और देखिए गाड़ी से और पैदल यात्री उतरते हैं और अपनी हेल्प और मदद करने के लिए यहाँ पर ये जो है ऑफिस खोली जाती है सड़क के ऊपर, ताकि लोगों की मदद की जाए हर तरह की। और 100 मीटर की दूरी पर मैं बताना चाहूँगा पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर ही जो है, देखिए कार्यकर्ता आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या मदद कर रहे हैं आपका? हम महाराज जी के हैं, अच्छा बदलाव चाहते हैं, नशा मुक्त हरिद्वार, रोजगार युक्त हरिद्वार। तो आपको जो कार्य दिया गया वो सप्लाई मतलब भोजन वगैरह पानी मैंने देखा, सिर्फ व्यक्तित्व के लिए कर रहे हैं, महाराज जी के व्यक्तित्व के लिए। अच्छा अच्छा हाँ देख सकते हैं गाड़िया से सब जगह जो कार्यकर्ता बैठे हैं सुबह से,
उनके लिए पानी वगैरह सप्लाई किया जाता है, भोजन वगैरह सप्लाई किया जाता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर्विलांस प्रभारी अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 25 हरिद्वार। मेरी ड्यूटी यहाँ पर आज इसलिए लगी हुई है कि जो मतदान केंद्र है हमारे उसके 200 मीटर की परिधि में जिस भी पार्टी विशेष ने अपने बूथ से यहाँ पर लगाए हुए अपने बस्ते लगाए हुए वहाँ पर किसी भी उम्मीदवार का कोई डिस्प्ले सामग्री ना हो जिसपे उसका चुनाव चिन्ह हो, उनका फोटो हो, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, ये राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में अपनी ड्यूटी करने के लिए यहाँ पर आया। देख सकते हैं इन्होंने भी अपनी ड्यूटी बताई। और मैंने सुना 100 मीटर की दूरी होती है, 200 मीटर। देखिए 200 मीटर इन्होंने क्लियर कर दिया है। और कोई भी अगर बूथ के ऊपर अगर प्रचार लगा रहता है तो उसे हटा देना चाहिए ताकि सब समान हो, एक समान हो, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सपा ना आम आदमी पार्टी और ना टीएमसी और ना ही बीएसपी, कोई का भी प्रचार नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से वो मदद कर सके ताकि जनता को पता ना रहे कि वो किसकी क्या मदद कर रहे हैं। और इनके साथ कैमरामैन भी चल रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। चुनाव आयोग का ये आदेश है और इन्होंने पूरी डिटेल आपको बताई है। ये दायित्व है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का अक्सर से अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था के तहत हम सभी लोग मिलकर इस तारीख को सफल करें। देख सकते हैं इसी के साथ मैं हेमंत तोसा हेमंत टीवी चैनल से। देख सकते हैं भाई साहब क्या समस्या आ गई आपको? ये भाई दो दो है, मेरे पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, डालने का दिया जा रहा है। क्या बात, क्यों वोट नहीं डाला जा रहा? कह रहे जी आपका नाम नहीं है, नंबर नहीं है इसमें। क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या पता क्या प्रॉब्लम है इनको। तुम्हें जी क्या प्रॉब्लम आ रही है इनके वोट के अंदर? क्या हो गया इनका? दो पहचान पत्र है, वही बात रही। आप अंदर जाके वहां से नंबर लेके आ जाओ, हमें स्पेशलिस्ट से निकाल। जाइए आप चैलेंज बोर्ड, जाइए चैलेंज बोर्ड, जाइए चैलेंज बोर्ड तत्काल जाइए और खुल का चैलेंज करिए। अच्छा एक बात बोलिए, आपका घर कहाँ है? मेरा घर सामने है। सामने कितने साल से आप रहते हैं? मैं 66 साल का हो गया। और रहते मेरा ये घर है सामने, सामने यहीं पर रहते हैं अभी भी, अभी भी वहीं रहते हैं छोटा खाड़ा में। रिक्शा चलाता हूँ। पिछली बार वोट दिए थे पार्षद के में भी दिए अनीता शर्मा को। अच्छा खुल क्या कह रहा? नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है, लेकिन पिछली बार आपने वोट दिया दिया लेकिन इस बार वोट पर वोट लिस्ट में वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। ये दो दो का पहचान पत्र है मेरे पास। सुमित जी आपने अच्छे से चेक कर लिया ना इनका? अच्छे से चेक कर लिया ना? मेरे पास अभी आए नहीं, अभी तो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं ना। अरे इनको इनको आपने दिखाया ही नहीं अभी तक? एक बार अच्छा दिखा दिया क्या? सब लोगों को उन्होंने दिखा दिया है, अंदर जाके वो चैलेंज कर सकते हैं। अभी ओरिजिनल आईडी भी है, अंदर जा रहा, चैलेंज करिए और दमंगी से चैलेंज करिए। एक मिनट एक मिनट, एक बार अंकल का एक बार और चेक कर लो। आपने कहा था कंप्यूटर मोबाइल में डाल कर देखेंगे, उसमें क्या हुआ? हमने आपके सामने देखा है अभी और इसमें दिखाया है नंबर डाल के नो रियल फोन। नीचे करो नीचे करो इसको, हाँ बोलो। अच्छा ये बात है, हाँ भाई साहब का देख क्या हुआ, इनका भी नहीं है, इनका वोट काट दिया। आप रहते कहाँ हैं? मैं मिश्रागढ़ हूँ। हाँ क्या हो रहा है? यदि कोई समर्थक नहीं है प्रत्याशी महोदय का माननीय का, हाँ। तो वो उन्होंने वोट कटवा दिया है। अरे उन्होंने अपने आदमियों को बैठाया, बीएलओ बनाया, भाई साहब इधर आइए, उन पे दबाव डलवाया। और मैं आपको बता भी दूं, जिनके दो दो वोट हैं, हाँ। दूसरी जगह और यहाँ भी है, उनके वोट भी यहाँ बनवाए गए ताकि फर्जी वोटों का यहाँ पर पड़वाया जा सके अपने पक्ष में। आज अगर उनकी जीत होती है तो उसी फर्जी वोटों से अन्यथा नहीं होगी। देख सकते हैं बहुत बड़ी बात है, भाई साहब का जो है पूरा ओरिजिनल है, आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड सब है, उसके बावजूद भी आधार कार्ड भी ओरिजिनल। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखिए लोग अपना आधार कार्ड वोट, और परिवार के लोगों का वोट है ये आपका अकेले का कटा? सबके काट दिए, सबके काट दिए, परिवार का भी नहीं है। कितने साल से आप यहाँ हैं? मैं कम से कम यहाँ 25 साल था हूँ। और पहले वोट दिए आप? हाँ, मेयर में दिया। पहली बार नहीं हो रहा है? हाँ।
पहली बार नहीं। देख सकते हैं वोट लिस्ट कईयों का नाम गायब है। जाइए चैलेंज करिए, बूथ में चैलेंज करिए, यह ऑप्शन खुला हुआ, आप भी जाइए बूथ में चैलेंज करिए, उसके बाद बताइए क्या हुआ। इसके साथ में हेमंत ओसावट हेमंत टीवी चैनल से, भैया क्या है, भैया दे दो इनको जो है। क्या क्या मैटर क्या है, आप जो है यहाँ खड़े हैं प्रभावित हो कर रहे हैं लोगों को, आप जो है खून के पक्ष में मतदान कीजिए, मतदान केंद्र का आपने विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो आज का दिन विकास की बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं, ठीक है मैं तो गाड़ी खड़ी करा रहा हूँ यहाँ पे, गाड़ी उधर खड़ी करो भाई, तेरी पार्किंग है जो आदमी दिमाग में खराब कर सही बता रहा तुझे, पार्किंग ले ली क्या तुमने, आपने मतदान कर लिया ना, आप जाइए अपने बूथ पे बैठ के, जाइए बैठे बूथ पे बैठिए, उन्हें भी तो खड़ा करते ना यहाँ पे, पहले क्या कह रहा हूँ आपके आदमी भी यहाँ खड़े से, अभी सारे सारे आदमी खड़े से, आप क्यों कर रहे हैं, आप अपने आदमी को भेज के यहाँ आ रहे हो मेरे साथ ड्रामा करने के लिए, ये इनका इनका एलिगेशन ये है कि आप पूर्व को वोट डालिए, आपने मतदान केंद्र पे रखा गया, कितने पैसे लिए आपने मतदान पहुंची, कितने पैसे लिए, बेफिजूल की गुंडागर्दी मत फैलाना यहाँ पे, देख सकते हैं कोई कांग्रेस का खड़ा नहीं हुआ, कोई बीजेपी का नहीं खड़ा हुआ, ये बात आपने कही है, अब आपने सही बात कही है, गुंडागर्दी करेगा ना यहाँ पे, फिर बता दे गुंडागर्दी ना दिखाई बिल्कुल भी। देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या चल रहा है, लोग यहाँ पर ही खड़े होकर फूल में वोट डालिए, विकास के नाम पर डालिए, ऐसी बातें चल रही थी अभी भाई साहब ने कहा। मैं हेमंत तो था, हाँ इस बार क्या आपने वोट डाल दिया, अपने मत का प्रयोग किया, महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे, महिलाएं अपना वोट डाले, आप लोग वोट डाल दिए क्या, डाला तो दिखाइए, देख सकते हैं सबने डाला है वोट, इस बार आप क्या बोलना चाहेंगे महिलाओं को, क्या बोलना चाहें महिलाओं को, अपने मत का प्रयोग करिए, बाहर निकल कर ये बोलना चाहेंगे, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे क्या, अपना वोट खराब मत, देखिए ये हुई बात, अपना वोट खराब मत करिए, जो है जो जिसका जो अधिकार है वो दे, अधिकार का जो अधिकार है वो पालन करें, ऐसे घर में तो आप बेलन उठा के बड़ी जोर से बोलती है, लेकिन इस बार क्या हुआ आपकी आवाज दब कैसे गई, तबियत खराब हो रही है, हम शुक्र है वोट देने आ गए, तो एक बेलन भी लेके निकला करिए रास्ते में, देख सकते हैं चूल्हा चौका छोड़कर महिलाएं भी चुनावी मैदानी जंग में उतर गई है, वैसे तो हमको कोई नहीं पूछता, लेकिन वोट के चक्कर में तो कोई पूछता ही नहीं, पूछ रहे हैं ना हम लोग, तो आप बोलते क्यों नहीं है, वोट के चक्कर में पूछ रहे हैं ना, वैसे कोई नहीं पूछता हमें, अरे गरीबों को भी पूछना चाहिए, इतना जरूर पूछना चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला लॉकडाउन में, हमें कुछ नहीं दिया किसी ने, हम भी तो रोजगार रोज के कमाने वाले हैं, कोई हमारी सरकारी नौकरी है, हमारी पेंशन ही नहीं बनी है, ना पेंशन ना कुछ, पेंशन तो 2002 के बाद बंद हो गई थी, लड़का मजदूरी करे कुछ नहीं करा, हमें कुछ नहीं मिला पर क्या सर लॉकडाउन में, चलो एक अन्न का दाना भी नहीं मिला, तो इस बार आपने लेकिन वोट डाला, हम तो हर साल डालते हैं वोट, चलिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, हर साल वोट डालते हैं, वोट हम खराब नहीं करते, उनकी तबीयत खराब थी रात को पेट में दर्द, मगर चल बहू तू वोट डाल, देखिए कितना बढ़िया है, यही तो देश को इन्होंने कहा है कि अपना मत का प्रयोग करिए, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं हेमंत करना चाहिए वोट खराब नहीं करना चाहिए, देखिए महिलाओं का ओपिनियन आपको देता हुआ, अरे